ए धमान चैनल देख रहे सारे दर्शकों का अमरजीत धमान वालों निघा निघा स्वागत है जी। सो खाटू शाम की धरती से पहुँच चुके हैं राजस्थान दे विच। तुसी पिछे देख भी सकते हो जो श्री श्याम देवाए नमे, अज असी इस खाटू शाम के मंदिर दे विच पहुँच गए हैं ते इत्थों दीआं तुहानूं तस्वीर दिखाउंदे आ। अते जो श्रद्धालु आए हुए ने वख-वख थावां तों वख-वख स्टेटां तों आए हुए ने उन्हां नाल भी करदे आ गलबात। खरड़ तों भगत ने बहुत सेवा करदे ने अगे भी ਵਿੱਕੀ ਜੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲਿਆਏ ਸਭ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਜੀ? ਧਰਮਪਾਲ ਬੁੱਧੀ ਰਾਜਾ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਸਭ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜੀ ਸਤਪੁਰ ਦਾ ਖੜੇ ਵੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਦਾਰਥ ਲਿਆਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? क्या नाम है? रश्मि गौतम नाम है मेरा। कहाँ से आए हो? मैं आगरा से आई हुई हूँ और मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मेरी बहुत टाइम से मुझे लगा ऐसा था कि मैं यहाँ आऊँ दर्शन के लिए। मैं वृंदावन जाती रहती हूँ और मेरा एक सपना था जो आज मुझे पूरा हुआ है। मैं दिल से बहुत खुश हूँ। आज लाइन में लगे हुए हो कितनी देर से लगे हुए? हाँ, अभी तो हम आए हुए हैं, सुबह ही आए हुए हैं, ट्रेन आई है हमारी और बस हम आके लाइन में लगे हुए हैं। तो अगर समय लग जाएगा फिर थकावट नहीं होगी? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, हम तो शाम तक का वेट करेंगे। जब दर्शन के लिए आए तो पूरा दिन और पूरी रात क्या ही फर्क पड़ता है, कर जाएंगे दर्शन जी। जय श्री राम। सत श्री अकाल जी, नमस्कार जी। अज तुसी किथे आए हो? ਅਸੀਂ ਖਾਟੂ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਦੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਈ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਮੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਾਰੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕੁਛ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਈਏ ਇੱਥੇ, ਬਾਬੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਉਣ
मैनू बहुत वधिया लग्या अपना इत्थे जिहड़ा असीं सफर कीता बहुत वधिया सी जे सानू बस विच भाई साहब लैके आए हैं बड़ा वधिया अरेंजमेंट सी इहनां दा बड़ी खुशी होई है चीज़ सानू देख के ते बाकी परमात्मा करे हर साल असीं इदां आईए इत्थे बाबा जी सानू मौका देण आउण दा पहली वार सबब किवें बण गया आउण दा पता नहीं जी बाबा जी वालों ही हुक्म होया मैनू बहुत मन विच सी भी मैं उन्हां दे दर्शन करा नाम सुनिया सी मैं पहला भी मेरी गल हुई थोड़े नाल भी मैं नाम सुनिया सी पर मैं आई नहीं सी इत्थे मैं अज आई हाँ तो दर्शन बहुत वधिया होए ने बाबा जी दे ने ते बाकी बाबा जी बार बार बुलाउण साडियां मनोकामना पूरिया करन सा मंगण ही आने इत्थे हाँ जी बाकी जय श्री राम विक्की जी खाटू शाम पहुँच चुके हैं सो नतमस्तक भी तुसीं हो गए तो की कहोगे हुण अज इत्थे बारे खाटू की नगरी मुझे लगती है बड़ी प्यारी मैं तो चाहता कि सानू शाम बाबा एक इत्थे छोटा जा कमरा दवा दे असीं इत्थे ही सेवा करिए बाबा शाम की यही मनोकामना है बस हुण तां क्योंकि अपना जो उम्र का पड़ाव भी हुंदा एक सेवा करन दा वो साडा सेवा करन दा पड़ाव शुरू हो चुका है असीं हुण यही कहांगे शाम बाबा नूं भी सानू चरणां दे विच लाई रखी तो संगत नूं एवें ही बुलाई रखी हर महीने ही बुलाई रखी बल्कि हर महीने बस तैयार रखी साढ़े वास्ते बस अभी तो अं दुआवां करदे आं खाटू शाम जी ते जी दीपक जी पहुँच चुके हैं आपां खाटू शाम की धरती ते सो किस तरह लग रहा तुहानूं इत्थे आके बहुत ही आनंद महसूस हो रहा जी पहली बार आए सी बड़ा बड़ा मज़ा आया आके तो दिल करदा हर साल आईए हर बार आईए बिल्कुल जी बड़ा आनंद महसूस हो रहा जी बड़ा चंगा लग रहा बहुत वधिया लग रहा जय श्री श्याम क्या नाम है आपका लोकेश लोहार नाम है हमारा कहाँ से आए हो चित्तौड़गढ़ से यहाँ पहले भी आते हो आप हाँ हम तीन चार बार पहले आ चुके हैं कैसा लग रहा है बहुत अच्छा लगा खाटू श्याम की पावन धरती पे हमें बहुत अच्छा लग रहा है ओके बहुत दिल खुश हो रहा है और भगवान खाटू श्याम हमें बार बार बुलावे बहुत अच्छा लग रहा है कब आए थे कब जाएंगे अभी हम आ गए थे 2 बजे जी अभी जाएंगे 7-8 बजे जितनी बजे ट्रेन होगी जितनी बजे जी बहुत अच्छा लगा अकेले आए हो परिवार आए बस यार दोस्त लोग आए दोस्त लोग आए दोस्त लोग आए बोले खाटू श्याम की जय हो जय श्री श्याम क्या नाम है आपका सुंदर ठाकराणी जी कहाँ से आए हो मैं जी गुड़गांव से आया हूँ हरियाणा से हरियाणा से हाँ गुड़गांव से हाँ तो कैसा लग रहा है यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है जी बहुत अच्छा पहले भी आए हो जी काफी बार आए 10 साल से आ रहे जी 1 साल से 10 साल से जी 10 साल से आ रहे हो जी आ रहे हैं 10 साल से लगातार जी जी बहुत अच्छा लगता है इधर आके जी मन को खुशी मिलती है अच्छा बहुत अच्छा फील करते हैं जी बिल्कुल सारी थकावट दूर हो जाती है पूरी सप्ताह ये कोई मनोकामना पूरी होती है अच्छी मनोकामना पूरी हुई है हमारी अच्छा बेड़ा पार किया बाबा ने हमारा वाह 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 हाँ जी तो क्या कहेंगे बाबा के बारे में बोल खाटू नरेश की जय बोल खाटू नरेश की जय जय श्री श्याम जय श्री श्याम कहाँ से आए हो आप हम मंदसौर MP से क्या नाम है आपका पिंटू व्यास ओके पहली बार आए हो मैं 2019 से कंटिन्यू आ रहा हूँ हर मंथ आता हूँ कब से 2019 में लॉकडाउन में आया था उसके बाद 21 से हर मंथ आते हैं बाबा के हर मंथ आते हैं हर मंथ आता हूँ 1.5 साल से तो कंटिन्यू हर मंथ आ रहा हूँ उसके बीच में 1-2 बार मंदिर बंद था तो उस टाइम नहीं आ पाए कितना आनंद आ रहा है यहाँ बहुत आनंद आता है बिन मांगे सब कुछ मिल जाता है सारी टेंशन यहाँ सब हो जाती है हर बार सुकून मिलता है बहुत अच्छा लगता है यहाँ से जय श्री श्याम जय श्री खाटू नरेश की जय लखदा तारे की जय पतिनवाण सारी की जय लाज बचाने वाले की जय क्या नाम है आपका रजनी कहाँ से आए हो रोहतक से पहली बार आए हो या पहले आते हो तीसरी बार कैसा महसूस हो रहा है बहुत अच्छा हाँ जी आप क्या कहेंगे जी मैं पहली बार आया हूँ यहाँ आके बहुत अच्छा लगा मेरे को और काफ़ी बाबा के बारे में गौरों से सुना था आज मैंने अपने आँखों से देखा और महसूस किया आज बहुत खुशी हो रही है हमारे को यहाँ के जी क्या नाम है बेटा रिया कहाँ से आए हो रोहतक साइड से किसके साथ आए हो मम्मी और मम्मा के साथ आए हो पापा भी पापा के साथ तो पहली बार आए हो तीसरी बार आए हो आप भी कैसा लग रहा है अच्छा लग रहा है कोई मन्नत मांगी है आपने बाबा ने सब कुछ दे रखा है बाबा ने सब कुछ दे रखा है उनसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती क्या नाम है बेटा अंजलि कैसा लग रहा है आपको यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है क्या नाम है आपका प्रियंका तवर कहाँ से आए हो मनावर यहाँ
धार धार डिस्ट्रिक्ट। यहाँ कितनी बार आए हो? सेकंड टाइम है। सेकंड टाइम कैसा लग रहा है? क्या बहुत अच्छा लग रहा है। फैमिली को लेके आई हूँ इस बार, फ्रेंड्स को, फैमिली को लेके आई हूँ इस बार। किसको? दादी को, फ्रेंड्स को लेकर। दादी को और फ्रेंड्स को लेकर आए हो? ठीक है। आप, आपका नाम? खुशबू मंडल। आप पहली बार आए हो? हाँ। तो आपकी फ्रेंड लेकर आई है? हाँ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आपका नाम? प्रज्ञा मंडलोई। आप भी पहली बार आए हो? हाँ, फर्स्ट टाइम। क्या महसूस हो रहा है यहाँ आकर? सुकून सा लग रहा है, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। आपका शुभ नाम? सूरज भाई। आपकी पोती आपको खाटू श्याम लेकर आई है? हाँ। आप पहली बार आए हो? हाँ, पहली बार आए। तो क्या लग रहा है आपको यहाँ? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। पहली बार आए हो? हाँ। जी। क्या नाम है आपका? हनुमान सिंह जादौन। आप कहाँ से आए हो? सर, माधोपुर से। कितनी बार आ चुके हैं यहाँ? सर, यहाँ पे दो बार आया हूँ, अभी दूसरी बार आया हूँ। दूसरी बार अब आए हो? हाँ जी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आप दोस्तों के साथ आए हो? हाँ जी। ये दोस्त पहली बार आए? हाँ जी सर, मैं लेकर आया हूँ सर। आप लेकर आए हो? हाँ जी। कितने लोगों को लेकर आए? सर, सात आदमी आए हैं। तो आपको सफलता मिलेगी इसकी? अब ये देखो, बताएंगे सर बाबा क्या मिलेगी नहीं मिलेगी, देखते हैं। हाँ। भाई आगे पहले मिलती है आपको? अब मिल रही, जब तुम आए दरबार में तभी आते हो ना? तभी आते हैं ना, वैसे नहीं मिलती कौन आए बाबा के? नहीं। हाँ। बोलिए खाटू नरेश की जय हो। क्या नाम है आपका? शोभा त्यागी। कहाँ से आए हो? मैं हरियाणा सोनीपत से। पहली बार आए हो? नहीं, कितनी बार आ चुकी, बाबा का आशीर्वाद हुआ है, कम से कम पाँच से छह बार। पाँच छह बार आए हो? यस। तो क्या आपको महसूस होता है यहाँ आकर? यहाँ आने के बाद लगता है कि धड़कने जैसे धड़कने लगी है, मतलब एक मृत इंसान होता है ना, मुझे लगता है कि उसके अंदर जीवन आ जाता है। और मैं एक ही संदेश देना चाहती हूँ शाम प्रेमियों को और पूरे हिंदुस्तान को कि हमें एक बार है ना खाटू में दर्शन जरूर करने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि बाबा के दर्शन अगर नहीं किए तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं है, जीवन का कोई आधार नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। जी, ये मोर पंख है आपने इसलिए लिया है? ये मोर पंख मुझे आशीर्वाद के रूप में मिला है मंदिर से। मंदिर से मिला है? यस यस। तो बड़ी अपार कृपा है आप पे। जी जी, बाबा की कृपा है, यहाँ तक आए हैं तो वही कृपा होगी उनकी। हाँ जी हाँ जी, सभी शाम प्रेमियों को यही संदेश देना चाहूंगी कि अपने जो जितने भी हिंदुस्तान के लोग हैं सभी को एक बार आके यहाँ पे दर्शन जरूर करने चाहिए और बाबा श्याम सबके कष्टों को जरूर हारेगा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित है सर। आप कहाँ से आए हो? करनाल से आए हैं सर हम। करनाल से? हाँ जी। करनाल से खाटू श्याम आए हो, किस समय आए थे आप? हम सर रात के निकले हुए हैं, कल शाम छः बजे गए। जी हाँ जी। पहली बार आए हो? हाँ जी, पहली बार आए हैं। कौन कौन आया है? हम सारे दोस्त है जी, सारे मित्र, सारे सारे पहली बार आए। हाँ जी, सारे पहली बार आए। क्या लगा आपको यहाँ? बहुत सुकून मिला, भगवान के दर्शन दिख गया सर जी, और कुछ नहीं। अच्छा। हाँ जी, दर्शन कर लिए? हाँ जी, साक्षात भगवान दिखे हैं। हाँ जी, साक्षात भगवान के दर्शन हुए हमें, साक्षात भगवान के दर्शन हुए। हाँ जी जी। तो फूल भी चढ़ाया था? हाँ जी, फूल भी चढ़ाया, वापिस भी आया जी, मिला भी हमें। तो आपको ये मंदिर से मिला है? हाँ जी हाँ जी, मंदिर से मिला है लाला जी। तो कृपा है आप पर, कृपा हो गई ना बाबा की? हाँ जी, बाबा की कृपा सब पे ऐसे ही बनती रहे। और हम तो, हमारा कहना यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक बाबा श्याम का मतलब आती रहे और जैसे कि गुणगान बाबा श्याम का होता रहे। लो सर, प्रसाद ले लो सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज खतरिया जी। कहाँ से आते हो? मैं सोनीपत से आया हूँ। कितनी बार आए हो यहाँ? मैं पहली बार आया हूँ। पहली बार आए हो? पहली बार। कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पॉजिटिव फीलिंग आ रही है, बहुत अच्छे मेरे को दर्शन हुए, दर्शन करके मैं आ गया, प्रसाद का भोग मैंने लगा दिया, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। दो बंदे और आए थे, वो रूम पे पड़े हैं, बेवकूफ़ है, वो सो रहे हैं। हम दो भाई उठ के आ गए, सबसे पहले दर्शन कर लिए जल्दी से, सबसे पहले हम नहा लिए, हम सोए नहीं, हमें नींद ही नहीं आई। नींद ही नहीं आई? बाबा ने ऐसा चमत्कार दिखाया, नींद ही नहीं आई, आँख खुली है, आँख खुली है, तो हम अपने काम पे लग गए, दर्शन करने आ गए। बाबा एकदम फ्री थे, वीआईपी लाइन में हमारा नंबर पड़ गया, एक मिनट का भी हमें इंतजार नहीं करना पड़ा। आपको लेकर कौन आया? मेरे को लेकर वो दो दो बंदे पड़े हैं, वो अभी सो रहे हैं, सो रहे हैं, बेवकूफ। आपने दर्शन भी कर ले? हाँ, वो जो एक ये मानो, एक ने मेरे ड्राइवर का रोल प्ले किया, एक ने मेरे बॉडी गार्ड का रोल प्ले किया, वे दोनों आगे बैठे थे, मैं पीछे सीट पे सोता हुआ आया, वो थक गए, अब आगे वो सो गए, मैंने दर्शन किए। ये अपना भाई है, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे दर्शन हुए। क्या नाम है आपका? गणेश स्वामी। आप फूल बेच रहे हो? हाँ।
हर रोज बेचते हो? हाँ। ये दिन रात चलता रहता है? बहुत ज्यादा चलता है। आप रात को भी जागते? रात को, शनिवार को धंधा थोड़ा सही चलता है। ओके। आप पढ़ते भी हो? पढ़ता हूँ ना। तो यहाँ किस समय बैठते हो? यहाँ दिन जैसे पढ़ता हूँ तो जैसे शनिवार को, अगले दिन संडे होता है तो रात को बैठ जाता हूँ, बाकी दिन मामा बैठ जाता है। मम्मा? मामा। 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 अच्छा, मामा आपका बैठ जाता है। हाँ। तो आप छुट्टी के बाद आप बैठ जाते हैं? ठीक है। तो कैसे लगता है, कैसा बिक रहा है? एक नंबर चल रहा है धंधा। एक नंबर। बढ़िया। कौन सा फूल देते हो? गेंदे का है, दाऊदरी का है, गुलाब का है, नौरंगे का है। ओके। तो दिन रात यहाँ पे रौनक लगी रहती है? बहुत ज्यादा। आज तो कम है थोड़ी, कल संडे, आज संडे तो थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा हो गया। दूर दूर से संगत आती? बहुत दूर से आते, उज्जैन, इंदौर, कोलकाता से भी आते हैं। ओके, थैंक यू। वेलकम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता देवी है। कहाँ से आए? शाहबाद से आए, हम बाला शहर के पास, कुरुक्षेत्र के अंडर में आता है वो। ओके। हम वहाँ से आए हैं और काठू श्याम जी के दर्शन करने के लिए आए यहाँ पे। पहली बार आए हो? हाँ जी, पहली बार आए। हाँ जी, और बहुत अच्छा लगा है। हम कुछ काठू श्याम जी के, भगवान जी को शिकायतें करने आए थे, पर यहाँ पे आके इतनी खुशी हुई कि सब भूल गए, आके अंदर से इतने खुश हो गए, हम अपनी सारी शिकायतें भूल गए। बाबा ने खुश कर दिए? हाँ जी, अंदर से इतना अपने आप को खुशी फीलिंग हुई है कि सब कुछ भूल गए हैं। बहुत अच्छा लगा है, और कोई थकान नहीं, कुछ नहीं, बड़ा अच्छा लगा है। कल से बड़ा अच्छा, बहुत ही आनंद फील कर रहे हैं हम। आपका शुभ नाम? मीनू। आप कितनी बार आए हो? मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। फर्स्ट टाइम आई? हाँ जी। और कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा जी, जैसा सोचा नहीं था उससे भी बढ़कर मिला। उससे भी बढ़कर? हाँ, जो सुना था उससे भी बढ़कर मिला जी। खाटू श्याम के दर्शन करके बहुत अच्छा। आपका शुभ नाम? ममता वर्मा। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी पहली बार आए हो? हाँ जी, हम भी फर्स्ट टाइम। आप तीनों पहली बार आए? हाँ जी, हाँ। आपका, आपको कैसे बुलावा आया, आपको कैसे आपका प्रोग्राम बना? हम वैष्णो देवी की यात्रा से आए थे, एकदम से बस मन में हुआ कि बस जा रही है, तो हमने सोचा कि हम भी दर्शन कराएं, हम भी देखाएं खाटू बाबा को। तो हम देखने आए हैं, तो हमें बहुत आनंद आया, हम सोच ही नहीं पा रहे थे कि यहाँ पे इतना आनंद आएगा। शाहबाद से बस में आए? हाँ जी, हाँ जी, बस में। संगत के साथ? संगत के साथ आए। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा लगा, मतलब कि जितना सुन सकते थे उससे भी ज्यादा हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। हाँ जी, बहुत अच्छा। भजन आता है कोई? दो वाली बाबा, मुझको तेरी जरूरत है, ओ सावरे, मुझे तेरी जरूरत है। थैंक यू सो मच। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे शिव शंकर भगवान, ये प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। निर्बल को बलवान बना दे, निर्धन को धनवान बना दे। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे शिव शंकर भगवान, ये प्रणाम आपके चरणों में। इस दुनिया से मुझको तो नफरत है, कहाँ से आए हो? पांटा साहिब, हिमाचल प्रदेश। पहले कितनी बार आए हो? फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम आए हो जी? आप भी फर्स्ट टाइम आए हो? हाँ जी, फर्स्ट टाइम। कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा। आनंद आ गया। ऐसे दर्शन सबको, ऐसे दर्शन सबको। सारे पहली बार आए हो? पहली बार आए सब, हम पहली बार आए। क्या कर रहा है? मन कर रहा है यही पर ही रह ले, यही पे रह जाए, बाबा के दरबार में रह। आपको एक कमरा अगर जहाँ पे मिल जाए रह जाएंगे, एक में सारे रह लेंगे, छह महीने तक आपको मिल जाएगा। हिमाचल जाने का मन नहीं कर रहा, बिल्कुल मन नहीं कर रहा, बिल्कुल मन कर रहा यही रह जाए, बाबा के दरबार में ही रह जाए। बाबा जी टेंथ में पास करा देना, और कुछ नहीं। कौन सी क्लास में? टेंथ में। बाबा सबकी मनोकामना पूरी करना, जो मांगता भी ना हो ना उसकी दिल की सुनना। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।
क्या नाम है आपका? संगीता, संगीता रावत। आप कितनी बार आए हो? मैं दूसरी बार आई हूँ। दूसरी बार कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बाबा की जय। अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। जो भी मांगा ना अभी तक मिला ही है। और बाबा बुलाता रहे और सारे काम पूरे कर दे मेरे। तो बोलो खातून नरेश की। आप कहाँ से हैं जी? दिल्ली से। दिल्ली से आए हैं? पहली बार आए जी? नहीं नहीं, चौथी बार आए हैं। अब बाबा ने भरा पूरा दिया हुआ है, सलाह देता रहेगा और बुलाता रहेगा जी। बाजी कहाँ से आए हो आप? दिल्ली से। दिल्ली से बहुत दूर से दिल्ली है। देख लो यहाँ पे बाबा ने ऐसा खींच लिया जैसे पड़ोस में बैठ रहे हैं। आपकी मनोकामना पूरी होती है? बहुत बड़ी हो गई, मैं तो समझ ही नहीं सकती थी वो होएगी। मेरा काम होएगा, हो गया, हो गया, हो गया, पहली बार ही में ही हो गया। ओ भैया बहुत ही बाबा शाम कृपा कर दे, सब पे कर दे, मेरी जैसी की है सब पे कर दे। और भी मेरे काम मांग रही हूँ बाबा से, बहु मांग रही हूँ, अच्छी सी बहु मिल जाए। बेटा कहाँ है? बेटा है, यानी वो ऑफिस करे या मेरे को तीर्थों पे कराए, एक ही बेटा है। उसकी मांग आप मांगने आए? हाँ मैं मांगने आई हूँ, बहु आ जाए बस, आप जल्दी से थक चुकी। आपका क्या नाम है? जय श्री श्याम सबको, सब भाइयों बहनों को मेरी तरफ से जय श्री श्याम। मैं ये कहना चाहती हूँ, हमारे तो हम आने की भी कोई प्रोग्राम नहीं था, ये आकाश भैया हम लोगों को ये भैया अपने साथ लेकर आए। इन लोगों ने हाँ बढ़ चढ़ कर सेवा की है, बस की बस का किराया इन लोगों की तरफ से है, खाना पीना सब इनकी तरफ से। हम लोग तो बैठ के आए, इन्होंने दर्शन कराए बाबा के। इन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बाबा ने बहुत खुशी दी जिंदगी की। हाँ जी, क्या कहेंगे आप, इतनी संगत को लेकर आए हो, बस भर कर लेकर आए हो? हम तो भैया से योगी है, बुलाया तो बाबा जी ने सबको जी। हम तो सिर्फ एक बाबा जी ने बानक बनाए आने के लिए यहाँ पे, पर इतने अच्छे दर्शन बाबा ने दिए है ना, कल भी दो बार दिए, आज भी दो बार दर्शन दिए बाबा जी ने। अच्छा। बहुत ज्यादा अच्छा लगा हमें तो, बहुत ज्यादा अच्छा। आप कितनी बार आए पहले? हम पहली बार आए हैं सबको लेके। आप पहली जितने भी आज जितने भी है सारे पहली बार आए? पहली बार आए दिल्ली से, हिमाचल प्रदेश, पोंटा साहब हिमाचल प्रदेश से। राधे राधे। कहाँ से आए आप भाऊजी? पोंटा साहब से, पोंटा साहब से पहली बार आए जी। क्या मांगा बाबा से आज? बाबा से बस आशीर्वाद मांगा है, सब आनंद रहे। तो यात्रा कैसी रही आपकी? यात्रा बहुत अच्छी रही, यात्रा तो बहुत अच्छी रही, बहुत आनंद आया, बाबा के दर्शन हो गए, बहुत आनंद आ गया। जय श्री श्याम जी। जय श्री श्याम जी। कहाँ से आए भाऊजी? पानीपत से जी। वाजी वाह, जय बाबा श्याम जी। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रुपेश भारती है जी। हमारी शॉप है सर लाडला स्वीट्स, लाडला स्वीट्स, लाडला स्वीट्स शॉप है, फेमस है। यहाँ पे अपने पेड़े मिलते हैं, ताजे पेड़े वगैरह सब कुछ अच्छा मिलता है, फ्लावर्स भी मिलते हैं, गुलाब के फूल वगैरह सभी तरीके के, हरी तरीके की वैरायटी मिलती है। जो पेड़े है खुद बनाते हो आप? जी खुद मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। ओके। और बाहर से भी आते हैं, शिड़ावा से जो फेमस है इंडिया लेवल के ऊपर, वो भी बाहर से भी आता है पेड़ा, और देसी घी में दिल खुशहार वगैरह मिलता है जो कि इंडिया कितने में। कितने सालों से है आपकी दुकान? काफ़ी सालों से, 25 ईयर से हमारे अंकल बैठते हैं। ओके। बाकी अभी तो कंटिन्यू चल ही रहा है जी। थैंक यू। क्या नाम है आपका? महेंद्र कुमार वैष्णव है मेरा नाम जी। हाँ जी सर, ये जैसे गुलाब है तो ये बहुत जगह से खाटू श्याम जी में आते हैं, बहुत ज़्यादा गुलाब संख्या में आते हैं। ये गुलाब 20 रुपये के बिक जाता है, ये बेंगलोर से आता है, पूना से आता है, नासिक से आता है, बहुत दूर दूर से ये गुलाब आते हैं। और इतने बाबा के गुलाब चढ़ते हैं कि बहुत ही लंबा है, और यहाँ पे हर वक्त लोग, जो बाबा का भी जैसे नई साल है, ग्यारस है, हर आदमी फूल चढ़ाना चाहते हैं, तो ये बाबा की एक आस्था है। और फूल आना टेट मंदिर तक जाते हैं, इत्र और फूल ठेठ बाबा के मंदिर तक जाते हैं। और फूल का क्या है, अलग अलग जैसे मार्केट रहता है, तो कोई लोग बाग जैसे 10 रुपये का भी बेचते हैं, 20 का भी बेचते हैं जी। फूल है ना, बाबा को हर आदमी फूल चढ़ाना बहुत ही पसंद करते हैं, और बाबा के ठेठ मंदिर तक फूल जाता है ये। तो फूल है ना, हमारे राजस्थान में बहुत ही कम होते हैं, लोग बाग पूछते हैं हमारे से कि ये फूल आते कहाँ से हैं, तो सर हम बताते हैं कि हमारे जो व्यापारी है, हमारे को वो बड़े बड़े व्यापारी है वो हमारे को देते हैं, तो इनका इतना बड़ा व्यापार हो गया है खाटू में कि आप पूछो मत, डेली का कम से कम भी एक ट्रक भर के जैसे खाटू में आते हैं, और फिर भी कम पड़ते हैं, तीन जगह से फूल आके, तीन कंट्री से फूल आता है, और वो भी फिर भी कम पड़ते हैं।
ये नासिक से आता है, बेंगलोर से आता है, पूना से आता है और फिर राजस्थान से तो कोई सीमा ही नहीं है सर। फूल इतना आके कम पड़ते हैं फिर भी, और बाबा की इतना महिमा है कि फूल एक एक आदमी, जैसे एक ट्रक में एक बंडल में 20 फूल आते हैं तो एक आदमी कम से कम भी बहुत बड़ा बिजनेस हो गया है ये खाटू में। और बाबा यही चाहता है कि मेरे जितने ज़्यादा भक्त लोग आते हैं उतना ज़्यादा हमारे फूल चढ़ाए। फूल का इतना ऐसा हो गया है कि जैसे कि हमारे बाबा सबसे ज़्यादा कुछ लाल फूल से ही होते हैं। अच्छा, हाँ जी सर, लाल रंग का ही, लाल कलर का ही फूल हमारे बाबा को सबसे ज़्यादा, हमारी जितनी जानकारी है उतनी हम देते हैं। तो उससे ज़्यादा जानकारी यही है कि और कोई कलर हमारे खाटू में नहीं चलता है। जो लाल कलर के फूल होते हैं हर भक्त लोग, कई लोग तो जैसे जोड़ा चढ़ाते हैं बाबा के, जो मनोकामना होती है तो जोड़े के वजह से बहुत ही ज़्यादा होती है। और जैसे भी ये फूल चढ़ते हैं, कोई छोटा चढ़ाते हैं, कोई बड़ा चढ़ाते हैं, तो फूल एक एक ऐसी चीज़ हो गई है कि बाबा को बहुत ही ज़्यादा लाल कलर बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जय श्री श्याम। Yeah!